गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम बात करें कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की मेटाबोलाइट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो प्लांट के अंदर होने वाली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैमिकल रिएक्शन से बनते हैं जिन्हें हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं यानी कि मेटाबोलाइट्स दो टाइप के होते हैं एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सबसे पहले प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो किसी भी ऑर्गनिज़म की ग्रोथ डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं यानी कि उन मेटाबोलाइट्स की अनुपस्थिति में प्लांट में ग्रोथ डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता यानी एक प्लांट के सर्वाइवल के लिए ये मेटाबोलाइट्स बहुत ज़रूरी होते हैं तो क्या है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी है अब कौन कौन से प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं हम सभी जानते हैं जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से भी जाने जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कॉमन है प्रोटीन लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड एंड हॉर्मोन्स ये सभी होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो प्लांट के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत आवश्यक होते हैं लेकिन हमें इनके बारे में बात नहीं करनी है हमें सीधी बात करनी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पहली बात तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्राइमरी मेटाबोलाइट के केमिकल रिएक्शन होने से बनते हैं किससे बनते हैं जब ये प्राइमरी मेटाबोलाइट रिएक्ट करते हैं तो उनसे बनते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट के लिए डायरेक्ट उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते यानी कि इनके होने ना होने से प्लांट के ग्रोथ डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ठीक है तो फिर ये काम क्या आते हैं ये बहुत सारे काम दूसरे जो और प्लांट की डिफेंस मैकेनिज़्म है उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं जिनके बारे में हम जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट के रोल पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे आपको तो पहली बात सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट के केमिकल रिएक्शन से बनते हैं और प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं इज इट क्लियर तो दोनों टाइप के मेटाबोलाइट्स क्लियर हुए अब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे बनते हैं मैंने बताया था प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही बनते हैं और उनकी केमिकल रिएक्शन से ये बनेंगे देखिए आप सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट मेटाबोलिक रिएक्शन है उसके अंदर आप जानते हैं शुगर बनता है कार्बोहाइड्रेट बनता है ये कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन करता है रेस्पिरेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है जिस एसिटाइल कोएंजाइम ए से ध्यान देंगे आप यहाँ पे इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से टर्पेनॉइड्स स्टेरॉल्स ये सब बनेंगे और इनसे और जब कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट करेगी इन टर्पेनॉइड्स के साथ तो बनाएंगे ये सैपोनिनस ग्लाइकोसाइड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स हैं जो को एंजाइम से टर्पेनोइड्स बनेंगे और जब एक बार टर्पेनोइड्स बन जाएंगे और स्टेरॉल बन जाएंगे ये सुगर से रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे सेपोनिनस एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स अब ध्यान दें आप एसिटाइल एंजाइम बदलेगा को एंजाइम में किसमें को एंजाइम और ये मैलिल कोजाइम फैटी एसिड्स बनाएंगे और साथ में ही देखिएगा फ्लैवइड्स और टैनिन्स बनाएंगे ये सब जो लास्ट में आप देख रहे हैं सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं कार्डिया ग्लाइकोसाइड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है सेपोनिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है टर्पेनॉइड्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, है, हैं फ्लेवेनोइड्स हैं टेनिस हैं लिगनिन ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेस्पिरेशन से जो स्टाइल कोंजैम ए बनेगा उससे बनेंगे मेलोनिल कोंजैम ए बनेगा तो उससे फ्लाविनइड्स बनेंगे और फ्लाविनइड्स से टेनन्स बनेंगे इज इट क्लियर अब रेस्पिरेशन से अमीनो एसिड जो बनते हैं साइकिल में जाकर के ये अमीनो एसिड जो बनाते हैं तो अमीनो एसिड से एक तो प्रोटीन बन जाएगी प्रोटीन के अलावा फ़िनॉल्स बनेंगे और ये फिनॉल्स भी फिर मेलोिन कोजाम के साथ मिलकर के फ्लैनोइड्स और टैनिन बनाएंगे इज इट क्लियर और एल्कलॉइड्स एक सेपरेट कैटेगरी होगी जो अमीनो एसिड से ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी होगी जो प्लांट में बहुत कॉमन है एल्कलॉइड्स और हमारे सिलेबस में भी एल्कलॉइड्स फ्लैविनयड्स और टर्पनोइड्स दिए हुए हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे फिर लेकिन बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये लिगनिन बन रहा है फिनोलिक से डायरेक्ट अब अगर आप देखें ये अमीनो एसिड और सुगर दोनों मिलते हैं तो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स और ग्लूको इनोसी इनोसिनोलेट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनेंगे तो ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से बन रहे हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की केमिकल रिएक्शन से ही बनेंगे तो आप देखें ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये चार्ट है कि इनका कैसे फॉर्मेशन हो रहा है अब बात करते हैं इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में और थोड़ी सी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है सेकेंडरी मोटोबोलॉट्स क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किस किस में बनते हैं प्लांट में ही नहीं बनते बैक्टीरिया में भी बनते हैं फंजाई में भी बनते हैं प्लांट में तो बनते ही हैं विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ग्रॉथ डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि ग्रॉथ डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ये काम क्या करेंगे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे डिफेंस मेकेनिज्म यानी प्लांट को बहुत सारे इंसेक्ट है पेस्ट है पैथोजेंस हैं उनसे रेजिस्टेंट क्रिएट करवाएंगे यानी प्लांट बीमार नहीं हो पाएंगे अगर ये उनके अंदर होंगे तो इंपॉर्टेंट फंक्शन एज प्रोटेक्शन कॉम्पिटिशन देखिए कभी कभी क्या होता है बहुत पानी की कमी होती है ड्रॉट कंडीशन आ जाती है बर्फ़ जम जाती है पाला पड़ जाता है उस टाइम प्लांट को बचाना है तो कौन करेगा कंपीट रिसोर्सेज के लिए देखो ड्रॉट कंडीशन में पानी को और प्लांट भी उग रहे हैं तो जिस प्लांट में ज़्यादा होंगे तो वो कम्पीट करने की ताकत देगा उसके प्लांट को दूसरों से स्पीसीज इंट्रैक्शन करना है जैसे बहुत सारे पैरसिटिज़म है आपने बहुत सारे इंट्रैक्शनस पढ़े हुए हैं म्यूचुअलिज्म है कमर्सलिज़म है, है उन सब में भी इनको कंफर्टेबल बनाएगा बट आर नॉट नेसेसरी लेकिन इनके बिना ऐसा नहीं है कि प्लांट मर जाएगा एक प्लांट को एक्स्ट्रा ताकत देगा मतलब ये काम करेगा एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करेंगे अभी एक एक करके एल्कलॉयड एंटीबायोटिक्स टर्पेनॉइडस क्विनलिनस फिनोलिक्स जो है एंजाइंस एट्सट्राज ये सब किस में आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ही आएंगे अब हम देखते हैं हमारा वाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्यों ज़रूरी है मैंने आपको भी बताया कि प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को एब्जॉर्ब करने के लिए कंपटीशन के लायक बनाता है डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए डिफेंसिव बनाता है ठीक है तो आप देखें आर बायोसिंथेटिकली ड्राइव फ्रॉम बायो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दे आर मोर लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग फाउंड यूजुअली इन स्पेसिफिक फैमिलीज़ और सभी प्लांट में ऐसा नहीं है अलग अलग फैमिलीज़ में अलग अलग टाइप के मेटाबोलाइट्स भी मिलते हैं केमिकल वारफेयर टू प्रोटेक्ट प्लांट देखो केमिकल वारफेयर टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम अटैक प्रीडेटर्स आपने देखा होगा कि जैसे से आंकड़ा जिसे बोलते हैं उसके अंदर खास प्रकार का एक मिल्की सब्सटेंस होता है लेटेक्स जिसे हम बोल रहे हैं उसमें एक खास केमिकल मिला दिया जाता है तो कोई भी प्रीडेटर यानी गाय भैंस कोई नहीं खाएगा उसको एक बार खा भी लेगा तो फिर दोबारा कभी नहीं खाएगा क्योंकि वो उस एनिमल को बहुत ज़्यादा हार्मफुल अफेक्ट करेगा पैथोजेंस कोई बीमारी नहीं होने देता है ये होने से कॉम्पटिशंस कॉम्पिटिटर्स मैंने बताया ना रिसोर्स के लिए उसको सक्षम बनाएगा कॉम्पीट करने के लिए अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स इनकी वजह से प्लांट में बहुत सारे कलरफुल चीज़ें बनेंगी फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट कलर आएंगे फ्रूट्स बनेंगे तो पॉलीनेटर और जो सीड डिस्ट्रीब्यूटर है उन सबको ये अट्रैक्ट करेगा जिससे सीड डिस्पर्सल वगैरह आसानी से हो जाएगा एबायोटिक स्ट्रेसेस ड्रॉट में प्लांट को सूखने से बचा देगा फ्रॉस्ट में प्लांट को जमने से बचा देगा बर्फ़ जमेगी तो पाला पड़ने से प्लांट को बचाएगा मेडिसिनस का भी इफ़ेक्ट इस पर नहीं होता जैसे हम कोई केमिकल वग़ैरह पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो उनसे भी प्लांट को बचाता है इंडस्ट्रियल एडिटिव्स भी कुछ प्रोडक्ट भी यहाँ से हमें कॉमर्शियली भी हमें यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट पॉसिबली ओवर टू लैख फिफ्ट दो लाख पचास हज़ार सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट में अब तक रिपोर्ट किए गए हैं दो लाख पचास हजार क्लासीफाइड बेस्ड ऑन कॉमन बायोसिंथेटिक पाथवे वेर केमिकल्स इज डिराइव्ड और इनको हम अभी पढ़ेंगे इनके क्लासीफिकेशन है जो वो किस बेसिस पर इनको क्लासीफाई किया गया है कि वो किस मैकेनिज़्म से बनते हैं उसके बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया है अभी मैंने आपको बताया ना कौन तो शुगर से मिलके बनता है कौन अमीनो एसिड से मिलके बनता है कौन फिनोलिक कंपाउंड से मिलके बनता है तो इनकी हमने फोर मेजर क्लासेस में डिवाइड कर दिया है एल्कलोइड्स ग्लाइकोसाइड्स फिनोलिक और टर्पेनॉइड्स ये चार कैटेगरी हैं जो इनके बायोसिंथेटिक पाथवे बायोसिंथेटिक पाथवे का मतलब होता है कि ये किस रास्ते से बन रहे हैं यानी कि कौन सी मैकेनिज्म से बन रहे हैं इज इट क्लियर उसके बेसिस पे इन्हें हमने चार कैटेगरी में कैटेगराइज किया है अब आप देखें एक बार प्लांट्स को अगर मैं आपसे बात करूं कि ये एक प्लांट है और इस प्लांट से प्राइमरी मेटाबोलाइट क्योंकि प्लांट में तो दोनों मेटाबोलिज्म हो रहे हैं ये फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है मेटाबॉलिक इंट्रैक्शन ऑफ द बायोसिंथेसिस तो कुल मिला के प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बन गए प्लांट में और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी बन गए प्लांट में फ्लाइविनॉयड बायोसिंथेसिस एल्कोलॉइड बायोसिंथेसिस और फिनोलिक बायोसिंथेसिस ठीक है अब इनसे ये सारे और ड्राइव होंगे रेस्पिरेशन होगा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स अभी बताया मैंने आपको शुगर टूटेगा एस्टाइल कोजैम ए बनेगा ठीक है और रेस्पिरेशन के प्रोसेस से क्या क्या और बनना स्टार्ट हो जाएंगे और आप देख सकते हैं ये तो डायरेक्ट बन रहे हैं और ये और एक्स्ट्रा बन रहे हैं आर ओ एस एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम यानी कि ये पूरा रोल एक मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या क्या करेगा प्लांट में ये फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बढ़ा देगा प्लांट की एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम रेगुलेशन करेगा ठीक है दूसरा क्या है स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंड सिग्नलिंग जैसे ही प्लांट में स्ट्रेस आएगा सूखा पड़ने लगेगा तो एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा ठीक है अगर ये होंगे तो और प्लांट है जो और अपनी चीज़ों को जैसे स्टोमेटा को बंद करना और मैकेनिज़्म है वो सारी स्टार्ट कर देगा डिफेंस रिस्पॉन्सिव डिफेंस यानी पैथोजन अटैक कर रहा है प्रेडिटर कोई खा रहा है तो ऐसे केमिकल बन जाएंगे कि कोई भी उस पर अटैक नहीं कर पाएगा सूखे से बचा देगा मैंने अभी आपको बताया मिनरल अगर कम है तो प्लांट के रिप्रोडक्शन को जल्दी से कंप्लीट करवा देगा जिससे कि नई प्रोजेनी बना देगा और फिर मर जाएगा ज़्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी में प्लांट को हीट शॉक से बचाएगा टेम्परेचर ज़्यादा होने से भी प्लांट की जो बहुत सारी और एक्टिविटीज़ ब्लॉक हो रही उनको कंट्रोल करेगा ठीक है पैथोजन इन्वेजेंस है पैथोजेंस को भी आक्रमण होने से बचाएगा अब अगर आप देखें कि ये कैसे ये सारे काम करता है तो एक प्लांट को अगर आप देख रहे हैं यहाँ देखिए इस प्लांट में बन रहे हैं फिनाइल एलानेंस अमोनिया अमोनिया लेज़ ये प्लांट में बनेगा और इससे फिनोलिक कंपाउंड्स बन जाएंगे और उन फिनोलिक कंपाउंड से बन जाएगा लिग्न और यहाँ बन जाएंगे फाइटो ये फाइटो क्या करेंगे टॉक्सिक फॉर हर्बी और अटैक एंड माइक्रोबियल इन्फेक्शन ये फाइटो क्या करेगा कि जैसे भी हर्बिओर गाय भैंस हैं इसको खाने आएंगी तो एक ऐसा अजीब सा जहरीला पदार्थ उनके पास जाएगा कि फिर वो कभी भी इन्हें नहीं खा पाएंगे इज इट क्लियर फाइटो और ऐसे माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी नहीं होगा फाइटोइलेक्शन अगर प्लांट में मौजूद है तो उसमें रोग नहीं होंगे फंगस का बैक्टीरिया का वो इन्फेक्शन भी प्लांट में रुक जाएगा अब आप देखें लिग्निन है लिग्निन तो आप जानते हैं प्लांट को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट बनाता है स्ट्रेस कंडीशंस में प्लांट को मजबूती प्रदान करता है उसके अलावा आप देख रहे हैं कि इस प्लांट में जो बने हैं ये काइटिनेज ग्लूकनीज और ये सब भी बनेंगे और इसके साथ साथ टर्पेन्स बनेंगे एल्कोलॉइड्स बनेंगे और फिनोलिक कंपाउंड्स बनेंगे ये टर्पेन्स प्लांट में क्या करेंगे ये प्रोटेक्टिंग वाइट शैल्यूलोज कं काउंटरन ऑफ ऑयल पाम रूट सेल्स ये स्पेसिफिक पाम प्लांट के लिए है तो इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं ये देखें आप फीडिंग प्रिवेंटिंग ऑफ प्लांट बाई इंसेक्ट ये टर्पेन्स अगर प्लांट में होंगे तो आप लिख सकते हैं कि इन टर्पेंट की वजह से क्या होगा कि ये फीडिंग प्रिवेंट कोई भी इंसेक्ट वगैरह इनको कट नहीं कर पाएगा लीव्स को तो ये सारे रोल्स हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या कर रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आप बताएंगे फिनाइल एलानिन अमोनिया जो बनेगा फिनोलिक कंपाउंड है वो लिग्निन बनाएंगे लिग्निन है जो प्लांट को मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और स्ट्रेस कंडीशन में उसको बचा के रखेगा फाइटो एलेक्सिन जो बनेंगे वो फाइटोलेक्सिन टॉक्सिक होंगे हर्बेरियल जो हरबी वोर अटैक होते हैं उनके लिए इन्फेक्शन नहीं होने देगा एल्क्रॉइड्स हैं वो भी यही सब काम करेंगे और टर्पेन्स हैं जो जो इंसेक्ट है जो लीफ वगैरह कट करते हैं वो नहीं कर पाएंगे ये मैंने आपको ही दिया है अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपको बताया कि ये कौन से रास्ते से बन रहे हैं उस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है एक तो वो था ठीक है कैन बी डिवाइडेड इनटू और अगर इनका केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मैं देखूँ थ्री केमिकल कंपोजिशन डिस्टिंक्ट ग्रुप में हमने इसको बांटा है तो टर्पेन्स होंगे एक फिनोलिक्स होंगे और एक नाइट्रोजन एंड सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के आपको क्लासिफिकेशन इनका बायोसिथेट कैसे हुआ और क्या होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और इनके फंक्शंस क्या हैं इसके बारे में हमने बात की है अब हम एक एक करके जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं कौन कौन से फ्लाविनॉइड्स हैं एल्कलॉइड्स हैं और देखेंगे टर्पेनोइड्स हैं या कोई और है उनके बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है नेक्स्ट क्लास में हम ये करते हैं